हे पावरफुल वुमेन, मेरा नाम नाबिना नासिर महमूद है। मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ द लेडी वुमेन इन द वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि एक ई कॉमर्स और डिजिटल सॉल्यूशंस की कंपनी है। हम आपको बताते हैं किस तरह आप ऑनलाइन अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। सो इसी असना में मैंने कुछ वीडियो सीरीज का आगाज किया है, और जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और वो कौन से टॉपिक्स या पॉइंट्स है जो आप मद्देनजर रखें और वो आपको मदद देंगे कि आगे आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। सो इनमें जो सबसे पहला और अहम टॉपिक है जिसको आपने मद्देनजर रखना है, या बात है जिसको आपने मद्देनजर रखना है, वो है नीश सिलेक्शन। नीश सिलेक्शन अब है क्या? नीश सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपने किस कैटेगरी में जाके, किस चीज में जाके आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। मिसाल के तौर पर एक मखसूस किस्म का, मतलब एरिया आप कह लें, फोकस्ड और स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ मार्केट वो कौन सा है जिसमें आपको लगता है कि आप इसमें जाके काम करेंगे, वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो एक लार्ज ऑडियंस को कैटर करेंगी, या जो एक ऑडियंस खास किस्म की ऑडियंस की जरूरत को आप पूरा करेंगे। सो नीश सिलेक्शन में मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ दराज की, दराज.pk। आप जानते हैं पाकिस्तान का एक स्टार्टअप जिसने 2012 में अपना काम का आगाज किया था। आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो पूरी पाकिस्तान में वर्क कर रहा है और इसके अलावा 5 मजीद कंट्रीज में काम कर रहा है। 2012 में इसे फरीस शाह और इसके अलावा मुनीब मियर, जो कि बाइकिया के फाउंडर हैं, उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। मकसद ये था कि किस तरह हम ऑनलाइन में चीज़ों को लेके आएं, सेलर्स को लेके आएं, ताकि वो अपनी अशिया को वहाँ बेच सकें और बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। तो आज मतलब 2019 की रिसर्च के मुताबिक उसमें तकरीबन 19 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट्स थी और 100 कैटेगरीज थी, और आपको पता है कि उनका लॉजिस्टिक का सिस्टम उन्होंने अपना बना लिया, फिर उन्होंने दराज माल और दराज यूनिवर्सिटी बना ली। सो आहिस्ता आहिस्ता जैसे उन्होंने स्टार्ट किया 12 से, आहिस्ता आहिस्ता वो आगे कदम रखते गए, चीज़ें एक्सपेंड होती गई, और 2018 में उन्होंने अपने स्टार्टअप को, इस कंपनी को Alibaba.com को बेच दिया, और ये साउथ एशिया की अब एक एक्सपेंडिंग कंपनी जो कि एक्सपेंड हो रही है, जो कि सेलर्स को अपनी प्लेटफॉर्म पर ले आती है और वहाँ उन्हें चीज़ें प्रोवाइड बेचने का मौका देती है। आप भी जाके वहाँ अपनी कोई दुकान बना सकते हैं, डिजिटल बेच सकते हैं अपनी चीज़ें, अगर आप उसका नॉलेज रखते हैं। अदरवाइज आपको यूट्यूब पर जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा किस तरह आप वहाँ सेलर्स बन सकते हैं और चीज़ें बेच सकते हैं। पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं इंटरनेट पे, सो उनमें से एक ये भी है। तो जो तरीका हम आपको बताते हैं किस तरह से कि आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, पहला कदम ले सकते हैं, एक रिसर्च के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा कारोबार जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो घरों से स्टार्ट होते हैं। मज़े की बात यह है कि 12 में से एक बिजनेस एक साल में बंद ज़रूर होता है, और 5 साल के अरसे में जितने भी बिजनेस स्टार्ट हुए उसमें से सिर्फ 50% ने ही सस्टेन करना है। सो आई एम होपफुल कि आप उन लोगों में से हों जो किसी चीज को स्टार्ट करें तो उसको आगे तक लेके जाएं। तो नीश सिलेक्शन में जो चीजें आपने मद्देनजर रखनी होती हैं वो ये देखनी होती है कि आजकल आपको पता है कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इसके अलावा AI के बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें आप सर्चिंग कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं कि जिस एरिया में आप काम करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर IT की फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर हेल्थ की फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, या किसी और फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, तो क्या उसमें लोग उसके मुताबिक क्या सवाल पूछते हैं, क्या कीवर्ड्स यूज करते हैं, या फिर आप ये देखें कि लोग की उस चीज के साथ जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं इमोशनल अटैचमेंट कैसी है, इंगेजमेंट कैसी है, या फिर आप ये देख सकते हैं कि आपका अपना तजर्बा उस चीज में कितना है, उसके कंपेटिटर्स कितने हैं, ये भी आपको हेल्प आउट कर सकता है नीश सिलेक्शन में। जो मुझे चीज़ जो मेरे दिल के नज़दीक है वो जब मैंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो मैंने देखा था कि मुझे क्या चीज़ करने में मज़ा आता है, इंस्पायरिंग क्या है। कुछ लोग इस चीज़ को भी चुनते हैं कि वो देखते हैं कि अच्छा माशरे में ये मलाई सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, उसको वो ओवरकम इस तरह कर सकते हैं, मतलब उसको सोल्यूशन ये दे सकते हैं।
तो वो भी जो है अपना बिजनेस बना लेते हैं, चीज़ों को आगे इकोसिस्टम में लेके आते हैं, अपने लिए भी रेवेन्यू जनरेशन की एक सीरीज बना लेते हैं और दूसरों के लिए भी मौका देते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट होता है तो वो ना सिर्फ उस बिजनेस के अपने लिए भी एक रोजगार का सबब बनता है, बल्कि उसके साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे उनका भी रोजगार बढ़ता है। सो एक रोजगार पे मतलब ये जो बिजनेस क्रिएशन है ये बजाते खुद एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक अमल है। ये इकोनॉमी में बिजनेस जनरेशन की वजह से ही चीज़ें आके एक्सपेंड हुई हैं, बढ़ी हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 334 मिलियन कारोबार जो हैं अप्रोक्सीमेटली 2023 में मतलब उन्होंने ऑटो कलेक्टिवली वो मौजूद हैं, तो उनमें से आपका बिजनेस भी हो सकता है। सो जो चीज़ मुझे इंस्पायर की है अपनी कंपनी को स्टार्ट करने में वो मेरा अपना शौक, मेरा पैशन है और आईटी की दुनिया से मेरा लगाव है और अपनी बात को पहुंचाना दूसरों तक, इस वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो काम स्टार्ट किया इट इज वर्किंग वेरी वेल। हम अपना क्लाइंट्स का जो क्लाइंट्स की जो रिव्यूज हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। सो नीश सिलेक्शन में और जो चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है वो ये है कि या तो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपके पास है तो आप उसका बिजनेस भी बना सकते हैं, और या फिर आपका अपना पैशन या आपका शौक किस चीज़ में है, आप उस फील्ड में जाइए, सर्च कीजिए और लोग कैसे काम कर रहे हैं और आप किस तरह उस में आगे बढ़ सकते हैं। दराज की जो स्टोरी मैंने आपसे शेयर की, मकसद ये है कि उन्होंने भी एक स्टेप लिया, ऑटोमेटिकली बाद के स्टेप्स उनके सामने आना स्टार्ट हो गए, जो प्रॉब्लम आई रस्ते में उन्होंने उसको ओवरकम किया, उसको टैकल किया, उसको सोल्यूशन किया, फिर आगे बढ़ते रहे। सो इसी तरह चीजें आगे बढ़ती हैं, जो लोग स्टक हो जाते हैं और सोल्यूशन का हल नहीं निकाल पाते उसकी वजह से बिजनेसेस भी बंद हो जाते हैं, और उसकी एक मिसाल COVID-19 है जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे। सो हमारा एक काम हमने तब भी स्टार्ट किया था 2020 में, तो पर हमने उसका मॉडल इस तरह बनाया था, बिजनेस मॉडल, कि किस तरह हम आगे सस्टेन कर सकते हैं। सो ये आप पे मुनसर करता है कि आप किस चीज़ में जाना चाहते हैं, क्या आपका शोभा या इंटरेस्ट कौन सा है, किस में जाएंगे आप आगे, कितनी आप मार्केट की नॉलेज रखते हैं, कितना आप इस समझ रखते हैं कि एक प्रोजेक्ट को कैसे आपने लेके चलना है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आज के टॉपिक में वो नीश सिलेक्शन है, तो सही इंतखाब करें ताकि आप उस चीज को आगे लेके बढ़ें। और अगर इस सिलसिले में आपको हमारी मदद चाहिए तो मेरी टीम आपसे रब्ता करेगी। आप सिर्फ इस कमेंट बॉक्स में मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगी, आप उसको फिल करें और आप मेरी टीम आपसे रब्ता करेगी। सो आई एम होपफुल कि नीश सिलेक्शन की आपको समझ आ गई होगी, और अगर इससे मुतलिक कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। सो 90 डे स्टार्टअप के इस जर्नी में मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे, ख़ास तौर पर ख़वातीन स्टार्ट करेंगी, क्योंकि मज़ीद ख़वातीन को हमारे इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक सुना, एंड आई एम होपफुल कि आप ऑनलाइन की दुनिया को समझ के पैसे कमाएंगे इसमें से। विश एवरीवन बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको। अल्लाह हाफिज़।